नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। राजद के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद रह चुके शहाबुद्दीन की मौत को लेकर के एक बार फिर से बवाल मचने लग गया है। दरअसल इस बार जो बवाल मच रहा है वो उनके आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर मच रहा है। आपको बता दें कि थोड़े समय पहले ही शहाबुद्दीन की जो है आरटीपीसीआर रिपोर्ट आई है, जिसमें कि ये बताया गया है कि शहाबुद्दीन जो है वो कोरोना निगेटिव थे। ऐसे में उनकी रिपोर्ट आने के बाद से ही शहाबुद्दीन के परिवार और आरजेडी के कई बड़े नेता के द्वारा जो है वो लगातार सरकार पर कई गंभीर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आरटीपीसीआर रिपोर्ट में शहाबुद्दीन की जो रिपोर्ट आई है उसमें अगर वो कोरोना निगेटिव है तो पिछले कुछ समय से जो प्राइवेट अस्पताल में उन्हें किस बात की इलाज चल रही थी। ऐसे में जो है इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए शहाबुद्दीन का परिवार और आरजेडी के कई बड़े नेता जो है लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है और कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने फेसबुक पे अपना एक पोस्ट जारी करते हुए सरकार पर तीन गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि देशद्रोही छोटा राजन को उनके इलाज के लिए अगर एम्स भेजा जाता है तो फिर पूर्व सांसद रह चुके शहाबुद्दीन को उनके इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल क्यों भेजा गया। दूसरा आरोप जो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है सरकार पे लगाया है वो ये है कि उनका कहना है कि अगर शहाबुद्दीन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आए तो पिछले 3-4 दिनों से जो प्राइवेट अस्पताल था वो शहाबुद्दीन की किस तरह का इलाज कर रहा था। उसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि शहाबुद्दीन की मौत को लेकर के कैसे सुबह से ही अफवाह फैला गया और आखिरी समय में कोरोना बता करके उनकी मौत जो है वो कह दी गई। तीसरा जो आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया है कि पूर्व सांसद रह चुके शहाबुद्दीन की मौत को लेकर के जो है वो सरकार ने कोई भी राजकीय सम्मान के साथ उनके शव को नहीं दफनाया। ऐसे में इन सभी बातों को लेकर के जो आरजेडी के दबंग नेता है सुरेंद्र यादव, उन्होंने कई तरह से सरकार को घेरने का प्रयास किया और उनपे कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। आइए हम आपको बता दें कि सुरेंद्र यादव ने अपने पोस्ट के जरिए सरकार पे क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। तिहार जेल में ही बंद देशद्रोही छोटा राजन को इलाज के लिए एम्स, और 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को इलाज के लिए बदहाल स्थिति वाले DDU अस्पताल क्यों भेजा गया। शहाबुद्दीन साहब अगर कोरोना निगेटिव थे तो आखिर उनका किस बीमारी का इलाज किया जा रहा था और उनकी तबीयत अचानक कैसे बिगड़ी कि उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से 6 घंटे पहले उनकी मौत की झूठी खबर नेशनल मीडिया में कैसे और क्यों फैली। तो दोस्त, संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया गया और उनके पार्थिव शरीर को नीतीश कुमार ने पैतृक गांव लाने की अनुमति क्यों नहीं दी। तो जैसा कि आपने सुना, सुरेंद्र यादव ने लगातार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि जो शहाबुद्दीन की जो मौत है वो जो है कोरोना के कारण नहीं हुई, इसमें कहीं ना कहीं जेल प्रशासन और सरकार की मिली भगत थी और उनकी जो मौत है वो एक मौत नहीं बल्कि मर्डर है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव ने जो है सरकार पर जमकर हमला बोला है। ऐसे में लगातार शहाबुद्दीन की मौत को लेकर के जो बातें उठ रही है वो कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शा रही है कि कुछ ना कुछ झोल जो है वो जरूर था, क्योंकि शहाबुद्दीन की मौत को लेकर के जो लगातार सबसे पहले अफवाह फैली कि उनकी मौत हो गई, फिर ये बताया गया कि नहीं वो जिंदा है, फिर ये कहा गया कि वो कोमा में है, फिर वो बताया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव के कारण उनकी मौत हो गई, और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे ही नहीं, वो कोरोना निगेटिव थे। तो इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पेच जो है फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल जो है वो फंसा हुआ है कि शहाबुद्दीन की मौत सच में उनकी मौत कोरोना से हुई या फिर एक ये सोची समझा मर्डर है। इन सभी बातों को लेकर के लगातार जो है वो विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।